वक्त आ चुका है कि मैं पुलिस को फोन करके उन्हें यहां बुलाऊं। जी आप यहां क्या कर रहे हैं? चलिए आइए ना, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। चलिए चलिए आइए जल्दी, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बड़े ड्रामे पास है ये लोग। कम ऑन मिस्टर खान, आप तो उनके पीछे ही पड़ गए। थोड़ा सब्र कीजिए, आपके अब्बू जल्द ही ठीक हो जाएंगे, फिर सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुझे तो देखने पे लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता हमें उन्हें और परेशान करना चाहिए। बस फारूक, आप अभी भी मिस फारूकी, आपको जरा भी सेंस नहीं है कि किसको किस तरह जज करना चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है आप, दैट्स इट। क्यों, दैट्स इट क्यों? प्लीज मुझे बताइए ना कि मुझे और किस बात की सेंस नहीं है। चुप क्यों हो गए आप? कैरी ऑन। मैं मिस फारूकी, वो एक्चुअली क्या, वो एक्चुअली क्या? देखिए मिस फारूकी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आप इनोसेंट हैं, नाइव हैं। समीरा, रानू पाजी, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें मनाने के लिए पापड़ बेल रहा। तो क्या चाहती है? माफी तो मैं मांग रहा हूं, और क्या करूं? वो भी मैं बताऊं? मिस फारूकी, कैन यू जस्ट लीव दिस एंड मूव ऑन? वैसे भी कुछ दिनों में हमारा निकाह होने वाला है, निकाह की अनाउंसमेंट भी करनी है। ऑल द मोर रीजन मिस्टर खान कि मैं आपसे फाइट करूं। निकाह से पहले तो ठीक से सॉरी बोल नहीं रहे आप, निकाह के बाद ठीक से तो क्या सॉरी नहीं बोलेंगे? सब जानती हूं मैं। ओके। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। बस? ये बस होता है? 50 चीजें गिनवा चुका हूं जो मैं कर सकता हूं। बोल रही हो बस होता है? आपको ऐसा लगता है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। फाइन। इस पर चल के दिखाओ, तब मैं मानू। Thank you.
I'm sorry. Fine. अब ऐसा कीजिए, दिल से तीन बार बोलिए माफ कर दो सरकार. What? Come on fast, time नहीं है मेरे पास. माफ कर दो सरकार, माफ कर दो सरकार, माफ कर दो सरकार. ठीक है, अब दिल से हाथ जोड़ के तीन बार कहिए दुहाई है. दुहाई हो, दुहाई हो. देखा, यही देखना था मुझे, यही चेक करना था कि आप दिल से सॉरी बोल रहे हैं या सिर्फ दिखाने के लिए और फॉर्मेलिटी कर रहे हैं. मैं यही चेक करना चाहती थी कि मेरे होने वाले शौहर में कितनी पेशेंस है, लेकिन नहीं है आप में पेशेंस, फॉर्मेलिटी कर रहे थे आप. वंस एन एमसीपी ऑलवेज एन एमसीपी. जोया फारूकी नाम है मेरा, इतना आसान नहीं है मुझे मनाना. ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? आपको हो क्या गया है? आपको क्या लगता है कि आपकी हरकतें सभी लोगों से छुपी रहेंगी क्या? कभी जोया के कमरे में चले जाते हैं, कभी आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ देखते रहते हैं. आप खामोशी से यहां कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये हम तुम्हारी मर्जी से नहीं करेंगे. करना पड़ेगा, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकती हूं. और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है सिद्ध के साथ. एक बार एक कश्ती पर दो लोग सवार थे रजिया, उसमें से एक दूसरे पर नाराज हो गया. उसे डुबाने के लिए उसने कश्ती में सुराख कर दिया, मगर वो ये भूल गया कि अगर कश्ती डूबेगी तो वो भी डूबेगा. उम्मीद है कि ये बात तुम भूलोगी नहीं, क्योंकि अगर हम डूबे ना रसिया तो हम तुम्हें भी तैरने नहीं देंगे. मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है. जी, आपकी बीवी हूं मैं. मैं आपका बुरा चाहूंगी क्या? मैंने तो हमेशा आपका भला सोचा है. देखिए, कितने दिन हो गए हमने एक साथ चाय नहीं पी. आप बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए चाय बनाती हूं. आपकी पसंद की चाय बना रही हूं.
एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। कितना वक्त हो गया है सच में। ये लीजिए। कहाँ चले गए? ख्याल रहे रजिया, गुस्से में इंसान की आंखें नहीं अक्ल बंद हो जाती है। सिद्दकी साहब कहीं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें। चलिए ना, आप लोगों को लगता है ना कि मैं पागल हूं, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं पागल नहीं हूं। आइए यहां। कहां ले जा रही हो? बाजी बाजी, ये पेंटिंग है ना, इसके पीछे दीवार नहीं है, दरवाजा है, दरवाजा। आपको यकीन नहीं है ना? रुकिए रुकिए एक मिनट। हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर क्यों आई यहाँ? अल्लाह, हम अपनी मर्जी से कहाँ आए हैं सिद्दीकी साहब? आपने हमसे वादा किया था ना, तो आप ही सोचे, आप पर वादा खिलाफी का इल्जाम कैसे लगने देते? बस इसीलिए चले आए। अरे हाँ, आ रहे थे तो खाली हाथ कैसे आते, इसीलिए आपके लिए कुछ सामान लेकर आए हैं। क्या करें, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है। इस गरीबी में भी कहीं भी जाते हैं ना तो तोहफा लेकर ही जाते हैं। ये लो और दफा हो जाओ यहां से, और आइंदा इस घर में आने की जुर्रत मत करना, समझी? जाएं सिद्दीकी साहब, लेकिन क्या करें, कमबख्त ये पांव है जो खुद ब खुद चल पड़ते हैं आपके घर आने के लिए। क्या करें, बेचारे मानते ही नहीं। अब देखिए ना, जिद कर बैठे हैं कि उन्हें इस घर में आना है, वो भी आज रात को। बातें बनाना बंद करो। बाजी मैं कोई बातें नहीं बना रही हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? अब तुम मेरी बात सुनोगी, एक अच्छे से साइकाइट्रिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करवाओगी, ओके? निखत, चलो। फरहान, फरहान, मैं पागल नहीं हूँ। फरहान, फरहान, चलो। फरहान, प्लीज फरहान, फरहान रुकिए ना। रुकना तो तुम्हें है निखत, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज रुक जाओ, वरना ये झूठी कहानियां तुम्हें पागल कर देगी। इनफैक्ट पागल कर चुकी है।
निखत तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाने से इनकार करती हो और जब डॉक्टर यहाँ आया था तो तुमने पागलों की तरह बर्ताव किया, ऊपर से तुम अपना इलाज नहीं कराना चाहती। और निखत सच बात तो यह है कि तुम दिमागी तौर पर बीमार हो और प्लीज तुम्हें मदद की जरूरत है, हमें मदद करने दो। और हालात ऐसे हो गए निखत कि तुम पर सख्ती करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फरहान मेरी बात सुनिए, मैं सच के निखत बस हो गया अभी, चलो अंदर। वहाँ सच में दरवाजा है, चलो निखत अंदर। भाई जान थोड़ा जल्दी कीजिए, सबके सब पहुंच गए हैं। कौन? अरे वो बला की खूबसूरत खूबसूरत परियां, सबके सब पहुंच गए, सारे फ्रेंड्स भी पहुंच गए। अब बस उसका इंतजार है जिसकी शाम में पार्टी रखी गई है। किसका? अरे आपका और किसका, आज की शान और जान आप ही तो हैं। आखिर आपकी बैचलर्स पार्टी है। फाइव मिनट्स, मिलता हूं। यो अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मिस्टर खान? मिस्टर खान और बैचलर्स पार्टी, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्या शायद हो भी सकता है? चाइना की टेक्नोलॉजी और मर्दों की फ्लर्टोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कहां कैसे धोखा दे जाए। I'm worried कि कहीं इम्पॉसिबल को मिस्टर खान पॉसिबल ना कर दें। पता तो मुझे करना ही होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वक्त रहते सब ठीक कर दिया, वरना ये औरत तो मेरा पर्दा फाश करने वाली थी। आज तो इसे खामोश कर दिया, मगर ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेगी बाजी। आज निखत ने घर वालों को बता दिया है, कल जाके बाहर भी बता देगी। और मगर किसने अगर यकीन कर लिया तो क्या होगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, निखत को खामोश करना पड़ेगा। मगर कैसे? जिंदा लोगों में एक ही खराबी होती है, वो बातें बहुत करते, मुर्दा बातें नहीं करते। इसलिए निखत को मरना पड़ेगा। वो भी आज रात को।